बहुत परेशानी है हमारे बच्चे कहाँ से पाले कहाँ से क्या करे एकदम बनाकर रहेगा तो कहाँ जाए क्या करेगा। कोरोना महामारी की मार का दोहरा असर दिखने लगा है तो दूसरी ओर लोगों की माली हालत पर लॉकडाउन ने बुरी तरह कहर बरपा है। ऐसे ही एक कारोबार है कूलर और एसी का। एक तो लोग पहले से ही कूलर और एसी चलाने से परहेज कर रहे थे तो लॉकडाउन ने दुकानों के शटर खुलने ही नहीं दिए। अब हालात ये हैं कि कूलर की बिक्री का मौसम जाने का इशारा कर रहा है लेकिन कूलर का कारोबार गर्म होने की बजाय ठंडा ही होता जा रहा है। आइए सुनते हैं कूलर कारोबारी सलमान की बात। सलमान ये बताइए कि कोरोना के कारण पिछली बार भी इस सीजन में कोरोना बढ़ा था, इस बार भी बहुत तेजी से बढ़ा है, तो किस तरह से कूलर के और एसी का धंधे में कितना नुकसान दिखाई दे रहा है? सर देखिए इस वक्त कूलर का और एसी का सीजन यही है। हम लोग की जो दुकानदारी होती है वो करीब मार्च से लेके जुलाई तक की होती है और यही टाइम पे कोरोना आ जाता है। लास्ट टाइम भी कुछ नहीं हो पाया था, कोई सेल नहीं थी, इस बार भी कोई सेल नहीं है, दुकानें बंद हैं। कस्टमर आता है, कस्टमर तो मार्केट में घूम रहा है पर लेना चाहे तो ले नहीं सकता क्योंकि दुकानें बंद हैं और पुलिस हम लोग को बाहर रोड पर लगा दुकान लगाने देती नहीं है। वो कह रही है आप बाहर नहीं लगा सकते हैं। सभी के साथ यही प्रॉब्लम, पूरी मार्केट बंद है इस वक्त, कहीं पर कोई कूलर की सेल नहीं है। अच्छा एक दूसरा प्रश्न पैदा होता है कि यदि देखा जाए मजदूर जो बनाते कारीगर बनाते हैं जी जी करते हैं उनकी क्या पोजीशन है? सर उनकी पोजीशन ये है जैसे कोरोना की वजह से सर जब वो आई जब अपने घरों से पहली बात यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है और जब यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ काम नहीं है क्योंकि हम दुकान खोल के काम कर नहीं सकते हैं। कारखाना किसी के पास पर्सनल होता नहीं है, किसी किसी पास होते हैं किसी के पास नहीं होते हैं और जो कारखाने हैं उनको पुलिस खोलने दे ज्यादा था ही नहीं। जब गवर्नमेंट मना कर रखा तो हम लोग खोल ही नहीं सकते, इलीगल काम करेंगे नहीं, उसकी वजह से ना उनको काम दे पा रहे हैं ना जो कोई सेल है और जब सेल नहीं तो उनको भी काम नहीं दे पा रहे हैं। इसका अंदाजा तो आसानी से लगाया जा सकता है कि जब माल बिकेगा ही नहीं तो बनेगा कैसे। सो कूलर के कारीगर की हालत खस्ता है। ऐसे ही एक कारीगर असलम का दुख साझा करने लायक है। असलम भाई ये बताइए कि आप कूलर का कारीगर हैं तो इस समय कितनी क्या दिक्कतें आ रही हैं? बहुत परेशानियां। अच्छा किस तरह की है, काम कुछ आ रहा है? कारीगर काम ही नहीं आ रहा कुछ। अच्छा हमारे बच्चे कहाँ से पाले कहाँ से क्या करे। अच्छा ये बताइए पहले कितना कमाते थे, अब क्या हो रहा है? पहले तो हमारी एसी हो रही थी, अब सब बाहर थे, अब सब बैठे हुए सब। अच्छा हम बहुत परेशानी है, एकदम बनाकर ये हाल रहेगा तो कहाँ जाए क्या करेगा आदमी, कर क्या सकता है। तो इसके अलावा कोई और दूसरा काम और कुछ आ रही नहीं, इसके अलावा और कोई रास्ते ही नहीं, ना कहीं निकल पाओ ना कहीं बैठ पाओ, घर में गुजरो बस पड़े रहो, बस परेशानी परेशानी है और इसके अलावा कुछ है नहीं सामने। कानपुर की नई सड़क इलाके में शहर की एक बड़ी कूलर मंडी है जहां 200 के करीब दुकान और कारखाने हैं। इस जगह का कारोबार अधिकतर मुस्लिम समुदायों के हाथ में है। इस कारोबार का असली समय मार्च से जून तक का होता है लेकिन कोरोना की कहर की बात की जाए तो जून तक हालात पूरी तरह काबू में होंगे इसके आसार कम ही नजर आते हैं। बिफोर प्रिंट के लिए कानपुर से हनुमंत सिंह के साथ विकास वाजपेयी की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।